फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स, मेरे लवली वाई की फैमिली। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आज आप लोग के साथ कुछ जानकारी शेयर कर रही हूँ। जानकारी ये है कि ये देखिए मेरा लेमन का प्लांट है और एक में तो बहुत अच्छे फ्लावर्स और फ्रूट आ रहे हैं। और ये मैंने पिछले साल लगाया था और अभी तक तो इसमें ना फ्रूट फल दिख ना फूल दिख रहा है, और फल की तो बात ही अलग है। तो इसमें किस तरह से हम फूल ला सकते हैं और फ्रूट ला सकते हैं, तो ये जानकारी मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी आप जब लेंगे तभी आपका सही से प्लांट काम कर पाएगा, उसमें अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूट्स आएंगे, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और चलिए तो फिर मैं दिखा रही हूँ। तो जैसे ये देखिए ये जो प्लांट है इसमें देखिए नए नए से ग्रोथ आपको दिख रहे हैं, नए नए पत्ते सारे दिख रहे हैं ना, पुराने पत्ते तो ख़त्म ही हो चुके हैं इसके, और इसमें देखिए नए नए सारे पत्ते गिर दिख रहे हैं। तो इसकी जो है नई ग्रोथ जो है, इसकी नई ग्रोथ की वजह से इसमें फ्लावरिंग रुक गई है। तो इसकी नई ग्रोथ को मुझे ख़त्म करना है यहाँ से। तो कैसे मैं इसकी नए ग्रोथ को ख़त्म करूँगी, तो पहले तो मुझे ब्रांच पे काम करना है। पहले मैं ब्रांच पे काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि सॉइल में भी इसके जड़ में क्या करना है। तो इसके ब्रांच में जो क्या करना है मैं दिखा रही हूँ। तो ये आप कैंची से देखिए, कैंची या तो जो भी आपके पास हो कटर हो उसके मदद से आप इसके जो है यहाँ से नए ब्रांच को रोक दीजिए, नए जो ग्रोथ हो रहे हैं इसमें इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए सारे ब्रांच स्टीम में। देखिए यहाँ जितने भी स्टीम में नए ब्रांच ऊपर ग्रोथ इसका दिख रहा है, इसको आप सारे को यहाँ से कट कर दीजिए। इसकी ग्रोथ जो है यहाँ रुक जब जाएगी, जो नए नए जो पत्ते बन रहे हैं इसकी ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी, तो फिर ये फ्लावरिंग पे ध्यान देगा, इसका माइंड डाइवर्ट होगा तो फ्लावरिंग पे इसका ध्यान आ जाएगा। तो फिर फ्लावरिंग आएंगे तो फिर फ्रूटिंग तो आएंगे ही, नींबू तो उसमें आएंगे ही। तो इस वजह से मैं इसके सारे नए नए ग्रोथ को कट देती हूँ। देखिए जितने भी इसके नए ग्रोथ निकले थे उसको मैंने काट दिया पूरा, ठीक है। अब मेरा तो ब्रांच का काम ख़त्म हो गया, ठीक है, ब्रांच का तो काम ख़त्म हो गया। और देखिए ये सूखे सूखे जो टहनियाँ इसमें हैं इसे भी आप काट के हटा दीजिए। और बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है नींबू का काटे हैं तो उसके बाद क्या करना है, इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए आप। मिट्टी देखिए और ध्यान रखिए, हाँ, जब भी आप ये ट्रीटमेंट आप अपना रहे हैं नींबू के प्लांट के साथ, तो इसका जो है सॉइल जो है एकदम सूखा होना चाहिए इस तरह से। देखिए इसकी सॉइल एकदम सूखा होना चाहिए, एकदम मॉइस्चर तो एकदम ही नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसकी सॉइल की मिट्टी की मैंने गुड़ाई कर दी, और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके सारे मिट्टी को मैं साइड में करूँगी, साइड नहीं मैं तो सोच रही हूँ निकाल ही दूँ इसके मिट्टी को, मैं निकाल दो देती हूँ इसके मिट्टी को निकाल के, उसके बाद इसमें जो है क्या डालना है मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। इतना तो मैंने मिट्टी इसका खाली कर दिया, उसके बाद ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट है, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट को मैंने मिला के रखा है। इसके बाद मैं इसमें ये डालूँगी, ठीक है, इतना, जिससे कि आप 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और 100 ग्राम काउडंग कंपोस्ट, ये दोनों को आप मिला के, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है कोई बात नहीं है, आप केवल काउडंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये है मोस्ट है बोन मील है, ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैं बोन मील को डालूँगी चारों तरफ से,
दो चम्मच बोन मील डाल दीजिए। ठीक, बोन मील डाल दीजिए। अगर आपके पास बोन मील नहीं है, इसका भी उपाय है, बोन मील के जगह पे आप चूना भी डाल सकते हैं। जो पान वाले चूना होते हैं वो वाला चूना, पेंट वाला चूना नहीं डालिएगा, कि जो घर पोताई में काम आते हैं वो वाले चूना जो होते हैं गर्म होते हैं। और जो पान वाले चूना होते हैं पान के शॉप पे आपको मिल जाएंगे, तो उसको आपको क्या करना है ना कि पानी में घोल के, एक मग्गा पानी में एक चम्मच चूना लेके आप घोल के डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, चलिए मैं दिखा रही हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। इसको मतलब वर्मी कंपोस्ट और ये जो मैं डाली हूँ बोन मील, उसे मैं ढक देती हूँ। ठीक है, और देखिएगा इसमें जो है फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो जाएगा इतना करने के बाद। और एक काम अभी और बाकी है, वो भी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, एक काम और क्या करना है इसके साथ। चलिए, इसको तो मैंने मिट्टी से ढक दिया, और ये देखिए अब ये है एप्सम सॉल्ट। मैंने इसे मंगा के डब्बे में भर के रखी रहती हूँ, क्योंकि एप्सम सॉल्ट का तो हमेशा गार्डन में काम लगता है। और देखिए एक चम्मच के अंदाज से, मैं तो चम्मच ही लाना भूल गई हूँ, चम्मच रखा होगा कहीं। तो देखिए ये एक टी स्पून है ना, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है आपको, ये एप्सम सॉल्ट है। इसे क्या करना है, पानी में घोलना है। इस तरह से इसको पानी में घोल दीजिए, इस तरह से पानी में घोल के उसके बाद खूब बढ़िया से इसमें डाल दीजिए। थोड़ा पत्तों पे डाल दीजिए, ब्रांच पे इसके, या तो आपके पास स्प्रेयर हो तो स्प्रेयर में भी भर के आप डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका ट्रीटमेंट आप करेंगे, जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए, उसके बाद देखिएगा कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। और जब देखिएगा इसमें जब फ्लावर आ जाएगा तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग को दिखाने के लिए, कि देखिए सक्सेस है कि नहीं। आप लोग को भी तो विश्वास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानकारी लेके। और जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी किसी और को भी मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।